Good morning, students. How are you? Okay, very good. All are fine. And today हम अपना जो remaining part कल बच गया था prepositions में दो चार और कुछ बच गए थे जो आपके syllabus में है, तो हम उन्हें आगे continue करते हैं. फिर एक बार एक साथ सारा first to tenth जितने भी prepositions हमने पढ़े हैं उनका हम revision करेंगे. ठीक है, मैंने जैसा कि कल आपको बता दिया था prepositions क्या होते हैं बच्चों. prepositions संबंध स्थापित करते हैं पहली चीज से दूसरी चीज का. ठीक है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो किसी ना दो अलग अलग चीजों में उसका संबंध स्थापित करते हैं. उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, तो कल मैंने आपको जो बता दिए थे वो है और उसके आगे से हम शुरू करते हैं. कल हमने उसे फाइव सिक्स पढ़ लिए थे, उसके आगे हम पढ़ते हैं विद से. ठीक है, हमने कल ओवर तो कर लिया था. अब इसके आगे जो हम शुरू करेंगे वो जो सेवेंथ नंबर है दैट इज अबव. अबव इसे हिंदी में बेटा अबव पढ़ते हैं, और जो अबव का अर्थ होता है वो भी ऊपर को बताता है, ऊपर. ठीक है, अबव का अर्थ क्या होता है, ऊपर. ऊपर को ही दर्शाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऊपर बहुत ऊपर होता है और स्पर्श गतिशील नहीं होता, स्पर्श भी नहीं होता, स्पर्श नहीं होता और बहुत ज्यादा ऊपर की बात होती है ना, होता है और गतिशील भी नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है, गतिशील भी नहीं होता है. आगे आपको बच्चों का समझ में, इसमें ना तो हम ऊपर वाली चीज को हम छू पाते हैं ना वो हमें छू रही होती है, लेकिन उसमें मूवमेंट भी नहीं हो रहा होता है. जैसे आपके घर की छत, छत जब बनी हुई होती है तो क्या हम वो हमें छूती है, नहीं छूती है, और हम भी उसको नहीं छू पाते हैं और वो हमसे काफी डिस्टेंस में होती है. डिस्टेंस का मतलब उसके और हमारे बीच में काफी दूरी होती है, इस वजह से हम उसको छू नहीं पाते हैं. दूसरी चीज मैंने कहा कि गतिशील ही नहीं होती है. गतिशील नहीं होती का मतलब क्या होता है, गतिशील नहीं होती इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो ना चल फिर नहीं होती. पक्षी ऊपर उड़ रहे होते हैं लेकिन उनमें मूवमेंट हो रहा होता है. ठीक है, लेकिन इन चीजों में इनके अंदर जिसकी भी बात करी जाएगी वो चीजें हमारे को ना तो छुएंगी ना उनमें कोई मूवमेंट दिखाई देता है. अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, द स्काई इज अबव. The sky is above our head. हमारे सिर से बहुत ऊपर क्या है, head. The sky is above our head. दूसरे एग्जाम्पल, the weight above 10. हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट्स वेट इसका वजन, इट्स वेट जब कोई चीज अत्यधिक ऊपर हो जाती है जैसे, लेकिन वो स्थिर हो जाती है, वेट अबव 10 टन, 10 टन से भी ज्यादा इसका वजन है, ऊपर हो गया है. मतलब आगे देखिए एक लिमिट होती है, किसी व्यक्ति का वजन अगर हम मापते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर उसकी जो वेट है वो बहुत हद से ज्यादा बाहर हो जाता है तो उसे हम अबव कह के बताते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अबव. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों, प्लीज इसे नोट करिए. इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसे पढ़ते हैं, with with. अब ये जो with है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, with यानी साथ में, के साथ में है ना, किसी के साथ हो जाता है, साथ में इसका हिंदी में लिया जा सकता है. ठीक है बच्चों, किसी के साथ की बात होती है, किसी के काम
किसी का हेल्प ले लेते हैं तो विद उसकी हो जाती है। मैं अपने पापा के साथ स्कूल जाता हूँ या मैं लिख रहा हूँ तो किससे लिख रहा हूँ? विद माय पेन। आई एम जस्ट राइट, आई एम राइटिंग विद माय पेन। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, ठीक है? तो अब आप इसका एग्जाम्पल लीजिए। शी राइट्स, शी राइट्स, किससे लिख रहा है? लिख रही है विद द पेन, विद द पेन। She writes with pen. दूसरा अगर हम लिखना चाहें, I go go to school. किसके साथ जाते हैं? With my friend. मैं अपने दोस्त के साथ कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। तो ये बहुत जनरल से सेंटेंस है। अब आप लोग, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि विद होता क्या है। तो बेटा यहाँ पर आप बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो विद होता है, विद क्या चीज होती है? विद के साथ के लिए काम आता है और ये एक प्रपोजिशन यानी संबंध बोधक शब्द है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, प्लीज जस्ट नोट इट। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो दो और बचे हैं, उन्हें और पढ़ लेते हैं। विद नंबर नाइन इज बिहाइंड। Behind का जो हिंदी अर्थ होता है के पीछे, ठीक है? लेकिन जो behind word काम में लिया जाता है, ये जब लिया जाता है जब स्थिर और विश्राम अवस्था होती है। स्थिर यानी जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, स्थिर या विश्राम, मतलब आपको वो चीज दिखाई दे रही है लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। देयर इज नो मूवमेंट इन द थिंग। वहां चाहे कोई आदमी खड़ा हो, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो या अदर कोई थिंग होगी, जैसे साइकिल ही खड़ी हो जाती है तो साइकिल अपने आप नहीं चलेगी, वो स्थिर अवस्था में है। स्थिर का मतलब जो बिल्कुल नहीं सकती है। आप कोई चीज किसी चीज के पीछे है या बैठा है, बैठी है, कोई भी चीज होती है, हम किसी चीज के पीछे रख देते हैं बैक साइड में, तो उसे हम किसका, उसके उन सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? उन सेंटेंसेस में हम बिहाइंड का यूज करते हैं। आगे अगर लोगों को बात समझ में, तो हम एक एग्जांपल देखिए। अलायन इज सिटिंग बिहाइंड द ट्री। आगे आप लोगों को बात समझ में, लॉयन की स्थिति जो है वो बैठे हुए की है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? उसके लिए हम क्या कहते हैं? के पीछे बैठा है। किसके पीछे बैठा है? ट्री के पीछे बैठा हुआ है, टी आर डबल ई ट्री। इसी तरह से एक और देखते हैं, द हैन इज बिहाइंड द टेबल। फाइन, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बिहाइंड द टेबल, इसका मतलब क्या हो गया? हैन कहाँ पर है? हैन टेबल के पीछे है, लेकिन टेबल हैन के अंदर से कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा, उसके पीछे वो बैठी है, खड़ी है, सो रही है, वो अलग बात है, लेकिन इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। तीसरी चीज जो होगी, जैसे एक और लेते हैं, थीव्स आर बिहाइंड द वॉल। अब उनकी स्थिरता है, चोर कहाँ बैठे हैं? किसके पीछे बैठे हैं? खड़े हैं, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उनमें कोई मूवमेंट किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? Thieves are behind the wall. Thieves कहाँ छुपे हुए हैं? Thieves wall के पीछे छुपे हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा जैसे कि prepositions होते हैं, लॉयन का संबंध पेड़ से बताया है, फैन का संबंध टेबल
होता है, संबंधवाच बोधक जो शब्द होते हैं वो वही होते हैं जो एक चीज का किसी दूसरे चीज के बीच में संबंध बताते हैं, उनको संबंध बताने वाले शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी जो हमने बड़े बच्चों ये जनरल से जिन्हें हम डेली उसमें काम में लेते हैं, तो ये बहुत साधारण से वर्ड्स हैं और इनका पता हमें होना चाहिए। अगर आप इनका हिंदी वर्ड समझ जाते हैं तो इसको कहाँ किस तरह से सेंटेंस में यूज करना है वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है वो है 10 नंबर एक्ट। बहुत जनरल सा सामान्य सा शब्द है, आपको तो ने कई बार सुना भी होगा। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है और, अब ऊपर नहीं है एक्ट यानी ऊपर किसी स्थान के लिए और समय के लिए। ठीक है, चाहे दिन का समय हो रात का समय हो, टाइम उसने बताया हो तो उसके लिए से काम में लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्थान यानी प्लेस या स्थान या समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता। बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप लोग इसको समझ रहे हैं, और मैं एग्जांपल भी इसीलिए साथ के साथ लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में। सो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स आर ऑफ एक्ट इज, मुझे घर पर मिलो, तुम्हें घर पर रुकना चाहिए, मैं रात को जाऊंगा, को भी आ जाता है कई बार इसके लिए, तो ये चीज बहुत है। जैसे सिंपल सा वर्ड है, अगर आप बीमार हैं तो बड़े क्या कहते हैं, स्टे एट होम, आपको घर पर रहना चाहिए। अभी आपको बात समझ में, कितना इजी सा सेंटेंस है। दूसरा, डू नॉट लाफ एट पुअर, डू नॉट लाफ एट पुअर, दूसरों पर यानी गरीब पर हमें हंसना नहीं चाहिए। डू नॉट लाफ, गरीब पर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आई विल गो एट नाइट, आई विल गो एट नाइट। अब यहाँ देखिए मैंने कहा था को के लिए दिया जाता है, समय को भी दर्शाता है, या फिर जैसे मैं एट नाइन हो ना, मैं ये भी लिख सकती हूँ आई विल गो एट नाइन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ समय लिख दिया तो भी वही चीज है, नाइट को, नाइट भी समय को इंडिकेट करता है, जैसे मैंने बताया डे हो नाइट हो, स्थिति आपकी जो बताई जाती है। मीट मी, मुझसे मिलना, कहाँ मिलना, हम लिख सकते हैं मीट मी, मीट यानी मिलना, मीट मी कहाँ मिलोगे, एट द डॉक्टर्स हाउस, एट द डॉक्टर हाउस, एट पर मिलना, एट द डॉक्टर क्लिनिक हो सकता है, क्लिनिक, डॉक्टर की क्लिनिक पर मुझसे आकर मिलना। तो ये बहुत जनरल से एग्जांपल है, किसी को अगर हम थोड़ा सा ये कहें कि अगर हम किसी को कहते हैं आदेश, रिक्वेस्ट टाइप का भी करते हैं, स्टे एट होम, तुम बीमार हो तुम्हें घर पर रहना चाहिए, डू नॉट लाफ एट पुअर, तुम्हें गरीब पर नहीं हंसना चाहिए, आई विल गो एट नाइट, तुम रात को जाएंगे, मीट मी एट द डॉक्टर्स क्लिनिक, और आप मुझे आकर डॉक्टर की क्लिनिक पर मिल सकते हैं। तो ये बहुत जनरल से थे, आपको सारे मैंने समझा दिए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं ये इतने ही सफिशियंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इसका अगला देखते हैं, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ऐसे बहुत सारे बड़े भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं जिनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। इलेवेंथ है इन फ्रंट ऑफ। अब इन फ्रंट ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इन फ्रंट, फ्रंट यानी हमारे आगे का पार्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, है ना, तो इन फ्रंट ऑफ
आगे का भाग, आगे की भाग या स्थिति क्या है उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। आगे की, इन फ्रंट ऑफ, मेरे आगे क्या है ना, मैंने कहा कि मेरे आगे श्याम सामने, जो आपको दिखाई दे रहा हो ये भी होना चाहिए, ठीक है। आई एम लिविंग इन फ्रंट ऑफ श्याम हाउस, इस तरह से हम इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर एक और इजी, देयर इज अ टेंपल इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक मंदिर बना हुआ है, इन बिल्कुल सामने, आगे सामने, आप इसको सामने भी कह सकते हो बच्चों, है ना, सामने, ये ज्यादा बेटर है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देयर इज अ टेम्पल, मेरे घर के ठीक सामने एक मंदिर है, आगे का भाव बताता है मेरे ठीक सामने कोई खड़ा है, मेरे ठीक सामने कोई बैठा है, मेरे ठीक सामने कोई पढ़ रहा है, इन फ्रंट हो जाता है कोई भी चीज, देयर इज अ वॉल, क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ बेड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, देयर इज अ बेड इन फ्रंट ऑफ माय रूम, मेरे कमरे के सामने एक बेड पड़ा है। अब इन फ्रंट का मतलब बिल्कुल जस्ट सामने की स्थिति को दर्शाता है, इसी तरह से नेक्स्ट टू भी होता है, नेक्स्ट टू होता है, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन अभी हमें इतने ही समझने की जरूरत है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आप लोग जब जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, ये टॉपिक साथ के साथ चलेगा और हम इसे साथ के साथ करते रहेंगे, दीज आर सफिशियंट फॉर यू बच्चों, है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत है। अगर आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ये बहुत जनरल सेंटेंस होते हैं, जनरल प्रपोजिशन वर्ड्स हैं, जिन्हें कहाँ किस तरह से यूज करना है ये आपको अच्छे से आ जाता है। यहाँ तक आप लोगों को आशा करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को ये सारा काम अपनी कॉपी में भी नोट करना है, इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं और अपनी बुक को पढ़ते जाना है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, और मैं फटाफट से इनको वापस रिवाइज कर देती हूँ। रिविजन करते हैं, यूज ऑफ इन और अंडर, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा इन, दूसरा हमने पढ़ा ऑन, तीसरा हमने पढ़ा था इनटू, है ना, इन इनटू, देखिए थोड़ा सा इसमें फर्क देखिए, हम इसको यहाँ लिखते हैं, है ना, किसको, इन इनटू, ताकि आपको डिफरेंस भी पता लगे, ऑन ओवर अबव, बहुत बहुत कॉमन सा है ना, इन ऑन अंडर, है ना, अबव, ये था इन यानी अंदर, इन यानी अंदर, अवस्था कैसी रहेगी उस समय, सिचुएशन क्या है, अवस्था गतिशील नहीं होगी, अवस्था गतिशील नहीं होगी, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इनटू अंदर, अर्थ सेम है, मीनिंग सेम है, गतिशील अवस्था में कोई अंदर जा रहा है, कोई बच्चा कूद रहा है, इसके एग्जांपल्स अच्छे से देख लीजिएगा, गतिशील अवस्था, अवस्था गतिशील होगी, कोई कक्षा में प्रवेश कर रहा है, स्टूडेंट इज एंटर्ड इन द रूम, माय फादर एंटर्ड इन द रूम, कमरे में प्रवेश किया, में, ठीक है, ऑन ऊपर, देखिए ऑन भी ऊपर है, ओवर भी ऊपर है, अबव भी ऊपर है, अब ये तीनों मैंने इसीलिए साथ में लिखे हैं ताकि आपको पता लगे, ऑन यानी ऊपर होता है, और इस वाले ऊपर में क्या होता है,
नीचे वाली वस्तु को स्पर्श करती है, है ना, वो स्पर्श होता है, ठीक है। नीचे वाली वस्तु से ऊपर वाली वस्तु का स्पर्श होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ओवर। ओवर में क्या होता है, ऊपर गतिशीलता होती है, गतिशील ऊपर लेकिन गतिशील। जैसे मैंने कहा बर्ड्स उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, काइट हमारे सर पर उड़ रही है, उसमें मूवमेंट हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज प्लेन हमारे बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। हम जो नीचे वाली स्थिति होती है उनमें मूवमेंट होना या नहीं होना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जो ऊपर वाली चीजें होती है उनमें वो कंपलसरी माना जाता है। तो आपको ये समझ आ गया, अवस्था गतिशील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ऊपर लेकिन अवस्था गतिशील, ऊपर वाली वस्तु की अवस्था गतिशील। अब वो जो होता है ऊपर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ऊपर या ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, और इसमें अवस्था गतिशील नहीं होती है। मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं होना होता। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, छत, छत टिकती नहीं, छत थोड़ी ना इधर से उधर भाग जाती है, कभी उठ के उसका काम कर रहा हूँ, नहीं होता ऐसा। इसी तरह से दूसरी चीज स्काई, आसमान जो है वो जस्ट हमारे ऊपर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो स्थिर है, वो जैसा का तैसा ही हमें दिखता है। ये नहीं आज आसमान का मन हुआ आसमान में उठना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन बादल उठते हैं, इसलिए ऐसे इस चीजों को, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा, इन इनटू ऑल ओवर। यहाँ अच्छे से समझ आ गई आपको सभी बात, और आप उनके एग्जाम्पल्स जो थे बच्चों को साथ के साथ देखते जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो बच रहे हैं वो देखते हैं। हमने लिखा था अंडर, बिटवीन, बीसाइड, बिहाइंड, अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है ना, और क्या पढ़ा था, बिटवीन, बिहाइंड और लास्ट इज विथ, ठीक है। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, किसी की स्थिति। अब उसमें मूवमेंट भी हो सकता है और मूवमेंट नहीं भी हो सकता, के नीचे, बिटवीन दो चीजों के बीच में, कोई दो वस्तुओं के मध्य की बात करते हैं, दो वस्तुओं के मध्य की, के बीच में, के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था राम और श्याम के बीच में सीता बैठी है, ठीक है, नीचे, बिसाइड के पीछे, के पीछे, इसमें गति हो सकती है ना, गतिशील। इसमें अवस्था स्टेट क्या हो सकती है, मोशन वाली हो सकती है, मूवमेंट वाली हो सकती है। बिहाइंड के पीछे गतिशीलता अनुपस्थित, यानी गतिशील नहीं होता, वो बैठा है गतिशील नहीं। अवस्था कैसी, देयर इज नो मूवमेंट, इसमें ऊपर वाले भी साइड में मूवमेंट हो सकता है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। एट का मतलब होता है पर, किसके लिए आता है, समय के लिए और स्थान के लिए, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद विथ के साथ में, तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, आप किसी का साथ लेते हैं, जैसे दोस्त के साथ में स्कूल जाना, या फिर क्या कहते हैं इसको, हम अपने साथ में, मैं बहन के साथ काम कर रहा हूँ, आई विल डू माय वर्क विद माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ तो अपने पापा के साथ जाता हूँ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सारे इनमें आते हैं। Now the syllabus prepositions are complete from my side, and I hope that you have understood all the prepositions. Just note it in your copies and try to learn and try to make another sentences with them. Okay, इनके साथ आप और भी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Okay, बच्चों, now thank you so much. Just note it down.